हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज टू लेंसेज, वन कॉन्वेक्स एंड अनदर कॉनकेव ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर टेकन टुगेदर एंड यूज एज ए सिंगल लेंस। इफ ए पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंपाउंड लेंस, फाइंड द पोजिशन ऑफ इट्स इमेज। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास है टू लेंस, एक है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली और टेकन टुगेदर एंड यूज एज ए सिंगल लेंस। यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट इज हेल्ड है बिटवीन द एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंपाउंड लेंस, तो हमें फाइंड आउट करनी है पोजिशन ऑफ इट्स इमेज। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सो की कॉन्सेप्ट इज द लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला विच इज गिवन एज 1/v − 1/u = 1/FA। नाउ क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन कंडीशन है फोकल लेंथ है, तो हेयर जो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है दैट इज F1, जो कि हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस दैट इज F2, जो कि हमारे पास 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के केस में हम फोकल लेंथ को लेते हैं नेगेटिव में, तो दैट इज −20 सेंटीमीटर। नाउ हम जानते हैं कि 1/FA = 1/F1 + 1/F2, ठीक है, सम ऑफ द फोकल लेंथ है ये हमारे पास है, तो 1/F = 1/F1 + 1/F2। नाउ हमारे पास जो 1/F आ जाएगा दैट इज इक्वल टू द 1/F1, हमारे पास 10 माइनस हो जाएगा, प्लस है तो −1/20। ओके, जो F2 है नेगेटिव में है, तो हमारे यहाँ से जो फोकल लेंथ आ जाएगी F दैट इज इक्वल टू द 20 सेंटीमीटर। राइट, हमने फोकल लेंथ कैलकुलेट कर ली है। नाउ यहाँ पर क्या है, 1/FA = 1/v − 1/u, जो कि हमारे पास है लेंस फॉर्मूला। सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला का एंड फाइंड आउट करेंगे पोजिशन ऑफ इट्स इमेज। राइट, तो नाउ 1/FA = 1/v − 1/u, एंड 1/v हो जाएगा हमारे पास यहाँ से = 1/F + 1/u, विच इज इक्वल टू द वैल्यू पुट करेंगे तो 1/F = 20, तो 1/20 + 1/u, यू कितना हमारे पास है। क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंपाउंड लेंस, ठीक है, तो ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो ये कंपाउंड लेंस है, तो ये हो जाए हमारे पास यू इन नेगेटिव में, तो दैट इज द −20, तो दैट इज इक्वल टू द 1/20 − 1/20, दैट इज इक्वल टू द, ये हो गया हमारे पास 0, तो ये हमारे पास 1/v। अब v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1/0, दैट मीन्स इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो हम कह सकते हैं कि पोजिशन ऑफ इट्स इमेज इज एट इन्फिनिटी, हेंस इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज विल फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। राइट, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।